हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा घर में धान का पूरा डिमार पड़ा हुआ है और आपको हम बताएंगे कि धान झाड़ने के बाद इसे साफ कैसे किया जाता है झारखंडी तरीके से और पुराने नीति रिवाज से। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि धान कैसे साफ किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहे, मैं आपका दोस्त तारा शर्मा, तो और आप देख रहे हैं तारा शर्मा ब्लॉग। तो मैं वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. तो दोस्तों, अभी हम लोग धान धुक लिए, इसका अंतिम प्रत्याप करेंगे, इसको समपेंगे और विधि पूर्वक जो विधि नियम नीति नियम होता है उसके हिसाब से अब धान को इसको उठाएंगे और घर में इसको परिश करेंगे। तो देखते Thank you.
दोस्तों आप लोग ने देखा कि कैसे धान झाड़ा जाता है, कितनी मेहनत से, पुराने जो नीति होती है, पुराने जो रिवाज होते थे उसके हिसाब से। तो अभी देख सकते हैं कि धान का पूरा गट्ठा हो चुका है, साथ में ऊपर में थोड़ा ढाकी है। तो ढाकी के बारे में आपको ये बता रहे हैं कि जो आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये कोई नीति नहीं है जो इस ढाके जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, कितने होते हुए उसका ये सबूत है, इसकी गिनती है कि कितनी बार कितनी ढाके हुए उसका वो सबूत रखा गया। सो आप लोगों ने देखा कि धान कैसे झाड़ कर साफ किया जाता है। तो वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो में नहीं है तो पहली बार है इस चैनल में तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।